Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Present सवाल क्रिकेट का यस वी गॉट अनदर एपिसोड फॉर यू और इस दफा जो हमारे पास दो प्लेयर्स हैं वो सभी जानते हैं उनको they've made their name in their respective fields. एक जो है एक रेगुलर पाकिस्तान के ओपनर रह चुके हुए हैं और हैं भी करंटली और दूसरे जो है ही इज ऑल्सो द नंबर वन T20 बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ यस आई एम टॉकिंग अबाउट अहमद शहजाद एंड इमाद वसीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हैं इमाद अल्लाह का शुक्र आजकल तो आप तो बहुत उड़ रहे हैं उड़ ही जा रहा हूँ अहमद आप कैसे हैं बिल्कुल ठीक है अच्छा चले मेरे ख्याल से पहला सेगमेंट जो है हम स्टार्ट करते हैं बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी पहला सेगमेंट है जी पावर प्ले इसमें जो रूल्स हैं वो बहुत सिंपल है तीन क्वेश्चंस मैं अहमद से पूछूंगी तीन क्वेश्चंस मैं इमाद से पूछूंगी जो सही जवाब देगा उसको एक रन या एक पॉइंट पर मिलेगा जो नहीं देगा उसको ऑब्वियसली जीरो पॉइंट्स मिलेंगे जी. नहीं ये बज़र राउंड नहीं है इसलिए अहमद आई एम गोना स्टार्ट विद यू गौर से सुने टाइम बहुत है जवाब दीजिए व्हिच इज द ओनली पाकिस्तानी टू अचीव अ हैट्रिक इन अ वर्ल्ड कप मैच इनमें से कौन सा पाकिस्तानी वसीम अकरम अभी ऑप्शन सुन लो कोई बात नहीं जवाब दे दिया नहीं नहीं मैं तो वैसे ही बोला है सुन ले पहले ऑप्शन सुन वसीम भाई यही ना है ही नहीं वसीम अकरम वकार यूनस सकलेन मुश्ताक या शुएब अख्तर वसीम अकरम गलत ही हो जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा नहीं कॉन्फिडेंट हो मतलब मेरा मतलब है कि वो न्यूजीलैंड के नहीं है वसीम भाई आया ना मुझे मुझे वसीम भाई का ही पता है बाकी तीन चार का नहीं पता है यार वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा ज्यादा चलो वर्स्ट टू वर्स्ट ही होगा क्योंकि ये गलत जवाब है आंसर इज सकलेन मुश्ताक अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन 1999 जो हमारा वो फेमस वर्ल्ड कप सुन तो लिया करे ना ऑप्शन तो सुन लिया करे सो बैड उसमें थे वसीम भाई थे सो बैड कोई बात नहीं सो बैड चलो कोई नहीं यार एक एक करके पूछ लो ऐसे अच्छा जी व्हिच एसोसिएट टीम क्वालिफाइड फॉर द सेमी फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप 2003 केन्या कनाडा नेदरलैंड्स दैट्स वेरी इजी केन्या Well done. ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है भाइयों अच्छा ये अब आपको आना चाहिए ये तीसरा और आखिरी सवाल है आपका Who has the second highest score for Pakistan in an ODI? In ODI? हाँ, second highest score. इजाज अहमद मोहम्मद यूसुफ इंजमामुल हक या इमरान नजीर ODIs में second highest score किसका है पाकिस्तान ये भी मुझे पता है अभी आपकी बारी आएगी जब आएगी तब वो वाले नहीं पता होगा हाईएस्ट सिंसी भाई का है या जावेद मियादाद का जावेद मियादाद है ही नहीं 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 वैसे हाईएस्ट का पूछ रहा हूँ कौन कौन है ओडीआई वन डेज में आप या इंजी भाई या यूसुफ भाई हाईएस्ट का पता कौन है वो है ना जावेद भाई मेरे का सईद भाई सईद भाई 194 ओवरऑल की बात कर रहे हो कि एक इनिंग में पाकिस्तान पाकिस्तान की तरफ से वनडे में पाकिस्तान की तरफ से वनडे में सेकंड हाईएस्ट स्कोर किसका है ठीक है हाईएस्ट इज सईद अनवर 194 ये हेल्प भी होगी आपको इजाज अहमद मोहम्मद यूसुफ इमरान नजीर या इंजमामुल हक यूसुफ भाई नहीं है इंजी भाई भी नहीं है मेरे ख्याल से कौन रह गया इजाज भाई या इमरान नजीर इमरान नजीर इमरान नजीर इमरान नजीर ने 160 किया था ये आपने चीटिंग की है और आपने वहां से उनको हेल्प की है मुझे नहीं पता आपके ख्याल में तो बहुत इजी सवाल था उसके खिलाफ वर्ल्ड कप में किया मैं सिर्फ शो चलाने की कोशिश कर रहा हूं इमरान नजीर 160 और मेरे पास सही जवाब 160 इन 121 बॉल्स अच्छा जी इमाद जी उनके तो सारे आपको सवाल कर दिए जरा मुझे मुश्किल आ जाएंगे ये वैसे बहुत हेल्प ही नहीं कोई हेल्प नहीं है मुझे अपना कोई नहीं आता तुझे कहां से हेल्प कर हु वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ वर्ल्ड कप 2011 अलोंग विद जहीर खान उमर गुल युवराज सिंह टिम साउदी या शायद अफरीदी बहुत आसान है नहीं अब आपको जवाब आ गया उनके वक्त 2011 में इतना आसान है इतना आसान क्वेश्चन कर लिया
और रिव्यू भी लिए जा रहे थे खुद ही वो सब कर दिया लॉक कर दें शायद भाई ये उन्होंने आउट किए थे चार एक आउट किए थे फिर तीन एक आउट किए इस तरह ही कुछ था सही जवाब 21 विकेट वेल डन एक पॉइंट इमाद का अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द मैन ऑफ द मैच इन द एशिया कप 2000 फाइनल सईद अनवर इंजमामुल हक मोइन खान मोहम्मद यूसुफ हाय फंस गया कोई क्लू ही नहीं फंस गया बना मुझे तो आता है अच्छा आपको आता है कौन कौन थे सईद अनवर इंजमामुल हक मोहम्मद यूसुफ या मोइन खान सईद भाई मैन ऑफ द मैच इन एशिया कप 2000 मुझे सईद भाई कहीं लग रहा है सईद भाई मैं आपका इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती ना आपके पास कोई लाइफ लाइन है यहाँ पे ना फोन फ्रेंड है ना सईद अनवर सईद अनवर क्यों कहा वैसे आपने क्योंकि मैंने कहा था आई विल जस्ट मार यू ये लेसन है कि अपने टीममेट की नहीं सुननी चाहिए द करेक्ट यार ये क्या बात हुई है द करेक्ट आंसर इज मोइन खान हु वाज द मैन ऑफ द मैच इन द लीड्स टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2010 पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को खेला था टेस्ट मैच में 2010 में उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था इमरान फरत उमर गुल मोहम्मद आसिफ या मोहम्मद आमिर एक सवाल तो क्यों किया है आसिफ या आमिर में से एक है क्योंकि उन दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बैट्समैन तो मैन ऑफ द मैच मुझे मुझे ना मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैट्समैन तो मैन ऑफ द मैच मुझे सुनिए मुझे मुझे जवाब का नहीं पता है लेकिन जिन्होंने सवाल किया ना आई विल गो विद डी डी मोहम्मद आमिर और आसिफ में से एक है इतना मुझे पता है अब जरा याद करने की कोशिश करो अल्लाह जी फोन अ फ्रेंड कर लूं फ्रेंड कौन है आपके आमिर आसिफ भाई आमिर में से एक है मुश्किल सवाल है थोड़ा सा सोचो याद करने की कोशिश करो अहमद आपको मुझे लगता है आमिर ने पांच आउट किए थे लेकिन आमिर ने पांच आउट उसके बाद इंग्लैंड टेस्ट के खिलाफ किए थे यार आसिफ भाई मोहम्मद आमिर सही जवाब पक्का चल गया आपका He took 7 wickets for 106 runs. कैसा है? और stats भी याद है. इस तरह, at the end of this round, you both actually have 2 points each. So, level पे हैं आप अभी. That's called unity. ये buzzer round है. ये छोटा सा हम आपको clip दिखाएंगे. उसमें आपने guess करना है कि आगे क्या हो रहा है. जो पहले जब आएगा, we'll get the option. दोनों अपने जो हाथ है ना, अपने हाथ में पकड़ ले buzzer. ठीक है? Like this. गलत नहीं, गलत हो गया तो. अच्छा जी चले जी अहमद एंड इमाद इसके हाथ में बॉल नहीं था नजर तो आएगा वो दोनों हाथों से यूं कर रहे थे वो देखो ना उसके पास बॉल नहीं था अंपायर के पास बॉल था इसलिए तो यही तो बताना था कि दोनों हाथों से यूं क्यों कर रहे हैं कसम नजर नहीं आ रहा बस आपने गेस करना है कि कौन सा प्लेयर है चलें जी Bit of, and oh, fumble as well. It's getting a bit damp out there, I think. And he's fumbling again. Oh dear. Keystone Cops. टोटल जो है दोनों नेक टू नेक जा रहा बिल्कुल दोनों को जो है वो 6 पॉइंट्स हैं और अगला जो सेगमेंट है उसे हम कहते हैं नेवर हैव आई एवर इट्स अ फन सेगमेंट इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है इसमें हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने सच्चे हैं और दिल से कितना सच निकल रहा है इमाद एंड जो मर्जी पूछ लो आई हैव नेवर इसमें बेसिकली अगर आपको सिचुएशन दी जाएगी अगर आपने वो चीज की है तो आपने पिक करना आई हैव या आई हैव नेवर ठीक है
और अगर नहीं है तो आई हैव नेवर. ठीक है, दोनों अपने पास रखें, सुन ले. एक तो मसला है ना, इतने लोग खड़े हैं, सबको सब पता है. लेकिन ठीक है ना, ऑफेंड नहीं होना ना किसी चीज पे. नेवर हैव आई एवर sung a song for a girl. Oh my lord, I have million times. You've seen it once only. कौन सा? वो यार याद नहीं आ रहा कौन सा गाना था. Ed Sheeran, Shape of You. नहीं उसका end वाला part बता. I sing a lot of songs. A lot of songs. End वाला part. I'm a good singer. Guys, I'm gonna sing it right now. The club is the best place to find the lovers. The bar is where I go. People get offended. अच्छा अहमद, आपने उठाया नहीं? Have you ever? Yeah, I have for my wife. So for your wife? Just for your wife? That's not a question. No, that is a question. I have for a girl. And I have a wife. And which कोई गाना बताएंगे जो आजकल पसंद हो? बहुत गाने. लेकिन कोई एक. मुझे वो अच्छा लगता है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं. वो कौन सा गाना? वो आपकी, आप लोग नए लोग हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट सिचुएशन. गॉट एंग्री ऑन माय फैन एंड रिग्रेटेड इट लेटर. फैन पे गुस्सा उठाया, गुस्सा किया. आई हैव नेवर. सो मेनी. कब? लाइक अभी रिसेंटली डोमेस्टिक खेल रहे थे तो सियालकोट में मैच था, तो वहाँ स्कूल के सारे काफी सारा बच्चे वगैरह आ रहे थे और सिक्योरिटी वाज इन देयर. खैर हम भी प्यार प्यार से पिक्चर्स लेते हुए जा रहे थे, बट यू नो व्हाट हैपन इज कि कुछ लोगों ने पीछे से लाइक दे वर स्क्रैचिंग एंड दे वर पिंचिंग एंड ऑल दैट. तो फिर थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट है ना, आई हैव डन समथिंग और थोड़ा मोबाइल शोबाइल भी कर दिया. आपका तेज है? दूसरा तेज है. तो लेकिन वो यू नो when somebody is pinching you and slapping you, what do you want? लेकिन उसके बाद ये regret for run. हम लोग कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए. पूरी family में इस तरह है हम लोगों के कि जैसे हम लोग कुछ इस तरह कर देते हैं ना, बेशक अगले इंसान की गलती है, then we regret that why actually. इमाद? No, never. But he's right कि कभी आप किसी मॉल वगैरह में चले जाओ और वहाँ पे लोग आपको कभी यहाँ से खींच रहे, कभी यहाँ से खींच रहे, so that irritates me. But I've never. कभी आपने react? No, never. अच्छा जी. Lied in a कहाँ से खींच रहे? सुनने. यहाँ से. Lied in a talk show. किसी टॉक शो या किसी इंटरव्यू में कभी झूठ बोला? Oh, yes. Of course. Yes. अभी तो नहीं झूठ बोल रहे उस वक्त से जो मुझे बता रहे. Always. क्या? Not really. Like. क्या ये भी बता देना क्या झूठ क्या बोला है मैं? यार इतने सवाल होते रहते हैं. आप वो तो मैरिड है, मैं तो मैरिड नहीं हूँ ना. देखें, sometimes you got to be diplomatically correct because then you become a public figure and you can't just answer everything right. Sometimes you got to be a politician. ठीक चले, ये बहुत अच्छा राउंड था क्योंकि आप दोनों मुझे लगता है कि बहुत ऑनेस्ट थे. इसमें कोई पॉइंट्स नहीं थे, बट थैंक यू फॉर बीइंग द स्पोर्ट इन दिस राउंड. इसमें ही तो पॉइंट, हमें ऑनेस्टी के पॉइंट चाहिए. हमें चाहिए ऑनेस्टी के पॉइंट. मुझे तो ऑनेस्टी के लिए चाहिए. मेरा तो मसला भी यही है ना, मुझे ऑनेस्ट रहने की सजाएं मिलती है हर दफा, तो मुझे इसके पॉइंट्स दे दो. ये आखिरी राउंड है एंड क्योंकि आप दोनों टाई पे हो, ये जो गेस करेगा विल बी द विनर. ठीक है, दिस इज अ बजर राउंड. इसमें इस राउंड का बेसिकली नाम है सुपर ओवर. आई विल गिव देम सिक्स क्लूज एंड दे हैव टू गेस द प्लेयर. और अगर पहले क्लू में एक सिक्स क्लू पे, मतलब पहले क्लू पे गेस किया तो 6 पॉइंट्स, दूसरे क्लू पे गेस किया तो 5 पॉइंट्स, तीसरे पे किया. लेकिन अगर हम एक गेस कर ले उसके बाद अपॉर्चुनिटी है दूसरे गेस करने की, या एक गेस कर लिए तो वो गलत हो. तू कमरे से होके आगे भी कर लेगा. अगर आपने गलत गेस किया तो दैट्स इट. अहमद तो आप पहले. और जो बजर दबाए, सडन डेथ. जी, सडन डेथ. इसका मतलब ये, ध्यान से कान खोल के सुनो कि क्या है और सोच के जवाब. ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फ्रॉम इंडिया हु डिड हिज डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड. ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जिनका डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ हुआ. ही इज द ओनली बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन डेब्यू एंड टू बी डिसमिस्ड फर्स्ट बॉल इन हिज फाइनल टेस्ट इनिंग्स. उनकी जो फाइनल टेस्ट इनिंग्स थी उसमें वो फर्स्ट बॉल पे डिसमिस हो गए और उन्होंने सेंचुरी की अपने डेब्यू पे. ठीक है, टेस्ट में द ओनली क्रिकेटर टू विन 4 कंसेक्यूटिव मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन ODIs. अगर ये गलत हुआ आगे मैंने बता दिया ना, सौरभ गांगुली.
आपको पता पहले भी दबाने लगा था, मुझे पता था उन्होंने तो पहले दबाया। मैं कहा आगे थोड़ा चलूं, ये क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन क्यों गलत था? क्वेश्चन ही गलत था। इतने पुराने को सवाल करता है, उनको भी तो पता ना। अभी वो पुराना है, हम ओल्डर थे नहीं भैया। पहले नहीं कर लिया था पहले भाई। हाँ कौन कर सकता है, ये तो बोला ही नहीं कलकत्ता से है। प्रिंस ऑफ कलकत्ता, वो ये आखिरी क्लू था। ही इज आल्सो कॉल्ड दादा फ्रॉम कलकत्ता। नहीं वो तो शुरू में लेके जाओ, वो सबसे इजी क्लू है ना। देखो एट द एंड ऑफ दिस राउंड बिकॉज़ इमाद ने फोर्थ क्लू पे जो है थर्ड क्लू पे गेस किया, उनको मिलते हैं 4 पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स जो है हो गए हैं 10 इमाद के, एंड फॉर दैट ही इज द विनर ऑफ टुडे। वूहू इमाद, आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा पेंट का डब्बा फ्रॉम ब्राइडो पेंट्स, 1 लाख वर्थ। ये डोनेट करना हो तो यहीं पे शो पे बैठ के कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं जो जितना भी मिला मैं अपनी तरफ से शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को डोनेट करना चाहूँगा, और ये भी चाहूंगा। क्या कहते हैं शायद अफरीदी फाउंडेशन के लिए, वंडरफुल इनिशिएटिव फ्रॉम यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बोथ ऑफ यू। आई होप दैट यू हैड एज मच फन एज वी डिड। आई होप कि आप लोगों ने भी जो है ये शो एंजॉय किया होगा। आज के विनर हैं इमाद वसीम, और अब जो है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। सी वी मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन गुड बाय। ये टाइम वाली मोहब्बत नहीं होती जनाब। द ईयर ही स्कोर्ड 17 सेंचुरीज, सो ही वाज गेटिंग लॉट ऑफ मनी। ही सेड डोंट वरी अबाउट द फाइन, just keep driving. यार जो जो सच बोले उसके पास आ गए। है तो है, वो जितने टाइम के लिए भी है वो दिल से है। नहीं ये बजाना था जी जी जी, तो दोबारा से लगाओ यार। You guys keep talking, so let me think about it. थोड़ी एनर्जी दे ले। लेकिन मैंने झूठ नहीं था बोला जब मैं पकड़ा गया। प्यार से देख रहे हैं ना, बस समझ गए। Hello, tension free, false, stain free, bright opaque.